उद्धव ठाकरे गट के नितिन देशमुख इन पर सरकारी कामों में दखल देने के आरोप में एक मामला दर्ज हुआ है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। कामले द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि नागपुर शहर में विधानमंडल 2022 के शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और इस दौरान उनका कर्तव्य है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर सभी के वाहनों की पास की जांच करें। आखिरकार मंगलवार को भी कामले रवि भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार से आए एक व्यक्ति ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं अपने सरकारी काम का पालन कर रहा हूं, अतः आप मुझे पास दिखाएं। इस बात से वो व्यक्ति आक्रामक हो गया और उसने उस पुलिस वाले से अपशब्द शब्द कहे, साथ ही उसे हाथ से धक्का भी दिया। इसी दौरान वहां कई लोग एकत्रित हो गए। दरअसल वो विधायक बालापुर विधानसभा का विधायक नितिन देशमुख बताया जा रहा है। नागपुर के सदर थाने में विधायक नितिन देशमुख व अन्य लोगों के खिलाफ धारा 353, 186, 448, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।